So I've been using iOS 17 beta since its announcement. Yes, जब Apple ने WWDC 2023 में बोला था कि उन्होंने अपने iOS 17 के बीटा रोल आउट करना चालू कर दिए हैं, तब ही मैंने अपने फोन में iOS 17 डाउनलोड किया था एंड यूज करना स्टार्ट कर दिया था. बेसिकली अभी थर्ड इटरेशन ऑफ बीटा चल रहा है iOS 17, तो कुछ सेटिंग्स ऐसी मैंने ढूंढ के निकाली है जिनको आप लोगों को जान लेना जरूरी है ताकि आप आने वाले अपडेट्स के लिए रेडी रहे. और तो और अगर आपने ऑलरेडी iOS 17 का पब्लिक बीटा या तो फिर डेवलपर बीटा डाउनलोड कर लिया है, तब तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज आपको जान लेना है उन सेटिंग्स को और चेंज कर लेना है ताकि आपका iOS 17 एक्सपीरियंस है ना वो बेहतर हो जाए. सो विदाउट फर्दर डू आई थिंक वी शुड स्टार्ट टुडेज वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कैमरास फर्स्ट, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ आईफोन इज कैमरा. तो कैमरा में पहले आपको लेवल का ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब विद iOS 17 लेवल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको यूज करके आपके जो भी शॉट्स आप क्लिक करेंगे वो बिल्कुल स्टेबल आएंगे, या तो फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको अपने आईफोन को किस तरीके से पकड़ना है, वो लेवल में है कि नहीं. सो हाउ टू टर्न दिस फीचर ऑन, आपको चले जाना है सेटिंग्स ऐप में, यहां से आपको चले जाना है कैमरा में एंड मेक श्योर कीजिए कि लेवल का टॉगल ऑन रहे. सो व्हाइल क्लिकिंग फोटोज और शूटिंग वीडियोस, अब आपका जो आईफोन है आपको गाइड करेगा हाउ टू होल्ड इट प्रॉपरली. सो विद iOS 17 सफारी में भी काफी सारे नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, जिनमें से मेरा एक फेवरेट है कि नाउ यू कैन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर सर्च इंजन फॉर प्राइवेट टैब्स. चाहे नॉर्मली आप कोई भी सर्च इंजन यूज करते हो अपने सफारी में, बट अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट मोड करते ही एक पर्टिकुलर सर्च इंजन चालू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल डक डक गो, तब आप वो सेट कर सकते हैं. कैसे, उसके लिए आपको चले जाना है सेटिंग्स ऐप में, यहाँ से हम जाएंगे सफारी में एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेट सर्च इंजन का, टैप ऑन इट एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन सेट है. That means जो मेरा सर्च इंजन सेट होगा वो ये, वही बाई डिफॉल्ट इन प्राइवेट मोड भी खुलेगा, बट आई डोंट वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट डक डक गो एज माई सर्च इंजन इन प्राइवेट मोड. तो मैं अब डक डक गो सिलेक्ट करूंगा, लेट्स गो टू सफारी एंड चेक इट आउट कि इट वर्क्स और नॉट. टैप एंड होल्ड न्यू प्राइवेट टैब एंड ओवर हियर लेट्स सर्च फॉर iKeeks ब्लॉग, टैप ऑन इट. And as you can see, यहाँ पे DuckDuckGo का यूज करके मेरे सर्च रिजल्ट आए हैं, बट लेट्स गो टू द नॉर्मल टैब स्टार्ट पेज एंड यहाँ पे हम सर्च करते हैं iKeeks ब्लॉग सर्च. And as you can see, यहाँ पे Google का यूज हुआ है, सो नाउ यू कैन पर्टिकुलरली सिलेक्ट अ सर्च इंजन फॉर योर प्राइवेट मोड. So by using this setting, you can make your private mode more secure. So बात कर रहे हैं Safari की, तो एक और setting ऐसी है जिसको आपको change कर लेना चाहिए तुरंत ही, और वो है now you can lock your private windows. Yes, आप अब अपने private windows को lock कर सकते हैं using your face ID और passcode. Let's check how to do it. So आपको चले जाने Safari settings में, नीचे scroll down करना है and make sure कीजिए require face ID to unlock private browsing का toggle जो है वो on रहे. अब हम जाएंगे Safari पे and as you can see यहाँ पे हमारा private window block कर दी है हमारे iOS 17 ने. To unlock it you'll require face ID, tap on unlock and as you can see it requires face ID. And here you go. This is our private window जो अभी हमने सर्च किया था iKeeks blog using DuckDuckGo. And as you can see, it works just flawlessly. Safari में एक बहुत ही much needed feature finally Apple ने add कर दिया है in iOS 17 and that is multiple profiles. So if you're a person like me who uses Safari on daily basis for your work and for personal stuff, तब ये काफी important feature हो जाता है because now you will be able to make two profiles dedicatedly, one for your work and one for your personal stuff. So profile बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा settings app में, यहाँ से आपको scroll down करके नीचे जाना है safari में and again scroll down कीजिए and as you can see यहाँ पे मैंने already अपनी work and personal profile दोनों बना रखी है. आप चाहें तो नई भी बना सकते हैं by tapping on न्यू प्रोफाइल एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं टू कस्टमाइज इट द वे यू लाइक. आई एम गोना पुट दिस एंड दिस एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके फेवरेट्स, आप सिलेक्ट कर सकते हैं न्यू टैब एंड वंस द नेम इज गिवन लेट्स गो विथ टेस्ट
एंड डन। यहाँ पे टेस्ट प्रोफाइल भी ऐड हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट सी हाउ टू स्विच बिटवीन दीज प्रोफाइल्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है सफारी में एंड यहाँ से टैब व्यू में चले जाना है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल का आइकन मिल जाएगा, उस पर टैप करना है एंड फ्रॉम हियर यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल प्रोफाइल्स जो आपने ऑलरेडी बना रखी है। नाउ लेट्स सिलेक्ट वर्क प्रोफाइल एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे शॉर्टकट्स, मेरा टैब्स सब के सब चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माय प्रोफाइल। टू स्विच टू माय पर्सनल प्रोफाइल ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट स्वाइप अप द टैब, टैप ऑन दिस आइकन एंड सिलेक्ट माय पर्सनल प्रोफाइल एंड एज यू कैन सी यहाँ पे नॉर्मल मेरी पर्सनल प्रोफाइल एक्टिवेट हो गई है। Apple ने विद iOS 17 हमें एक नया नवीला फीचर दे दिया है विद द नेम ऑफ स्टैंड बाय। ये ऑन करने के लिए आपको चले जाना है सेटिंग्स ऐप में, स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड आपको वॉलपेपर के नीचे एक नया सेक्शन बना हुआ मिल जाएगा विद द नेम ऑफ स्टैंड बाय। टैप ऑन इट एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे टॉगल्स ऑन रहेंगे। हाउ टू एक्टिवेट इट, इसके लिए आपको अपने फोन को चार्जिंग में रखना पड़ेगा एंड पुट इट एट अ राइट एंगल या तो फिर डॉक कर देना है ताकि आपका जो फोन है वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन लाइक कैलेंडर, डेट, अपकमिंग टास्क, ये सारी चीजें डिस्प्ले कर सके। सो हैव यू बीन इनटू अ सिचुएशन जब आप ब्लूटूथ पे कोई गाना सुन रहे हो एंड आपका जो फोन है वो चार्जिंग में रखा हो, हेंस गाना बदलने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, बट अब नहीं, बिकॉज नाउ यू कैन मेक सिरी टू लिसन टू यू इवन व्हेन योर फोन इज लॉक्ड। हाउ टू टर्न दिस ऑन सेटिंग, आपको चले जाना है सेटिंग्स ऐप में, यहां से आपको चले जाना है सिरी में एंड मेक श्योर अलाउ सिरी व्हेन लॉक्ड का टॉगल ऑन रहे। सो नाउ इवन व्हेन योर फोन इज लॉक्ड All you have to say is, "Hey Siri," and as you can see, Siri यहाँ पे activate हो जाएगी। Another fantastic feature जो Apple ने अपने WWDC के अंदर announce किया है for iOS 17 is screen distance. And this feature will help you and let you know कि कब आपने अपने iPhone को बहुत ही नजदीक रखा है अपने चेहरे से, hence उसको थोड़ा दूर कर लेना चाहिए वरना आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। और ये फीचर उसी WWDC में अनाउंस हुआ है जिस WWDC में Apple ने अपना Vision Pro AR/VR हेडसेट अनाउंस किया है जो सीधा आपकी आंखों पे जाता है। आई मीन आयरॉनिकल यू नो। एक और चीज जो काफी इंप्रूव एंड पॉलिश कर दी गई है इन iOS 17 और वो है इसका स्टोरेज सेक्शन पेज। नॉर्मली पहले के मोस्ट ऑफ द iOS इटरेशन में आई थिंक विद 15 और 16 एक बग ऐसा आ गया था जो निकलने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से आपको अपनी स्टोरेज सेक्शन, स्टोरेज डाइसेक्शन पता नहीं चल पाता था कि कौन सी ऐप कितनी स्टोरेज ले रही है। बट इन iOS 17 ये बग पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया गया है एंड इसका जो पेज है वो भी काफी ज्यादा रिफाइन कर दिया गया है। सो लेट्स चेक इट आउट, लेट्स गो टू सेटिंग। यहाँ से हम जाएंगे जनरल में, टैप ऑन आईफोन स्टोरेज एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको थोड़े चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। पहले ये डेटा अवेलेबल नहीं हुआ करता था इतने अच्छी तरीके से, बट नाउ यू कैन सी कि कितनी फ्री स्पेस बाकी है, कितना आपने यूज कर रखा है एंड वॉट इज योर टोटल स्पेस। बट आप जैसे ही नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे अब आप यहाँ पे ऐप्स को सॉर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेम एंड लास्ट यूज्ड। पहले ये चीज अवेलेबल नहीं थी बट नाउ यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली एंड एज यू कैन सी यहाँ पे अब कोई स्टोरेज का बग नहीं है एंड एज यू कैन सी बहुत अच्छी तरीके से बहुत स्पेसिफिकली मेरे को अपनी स्टोरेज का डाइसेक्शन मिल जाता है ऑन दिस पेज। सो ये थी वो सेटिंग्स जिनको आपको तुरंत ही चेंज कर लेना चाहिए ताकि आप अपने iOS 17 को और भी बेहतर तरीके से यूज कर पाए। नहीं तो अगर आप iOS 16 वाले हैं तब आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन सी नई सेटिंग्स, कौन कौन से नए फीचर्स आने वाले हैं इन iOS 17। आपका कौन सा फेवरेट है मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताइएगा। साथ ही साथ वहां पे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप ऐसे सारे इंटरेस्टिंग हैक्स, टिप्स, हाउ टू के वीडियोस मिस ना कर पाए। और अगर आप एवरीथिंग एप्पल के बारे में और पढ़ना चाहते हो तो हमारी ऐप है IGV ऐप ऑन ऐप स्टोर, उसको डाउनलोड करो एंड एंजॉय एवरीथिंग एप्पल कंटेंट। एंड ऑन दिस रोड दिस इज मी समीर साइनिंग ऑफ एंड आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा, सी या बाय।